अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। ये बिल्डिंग जो है ना, इसकी 12वीं फ्लोर मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि यहां से मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था और आज मैं इसके सामने ही खड़ा हूं। 11 अगस्त है, मौसम सुहाना है, बारिशें हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये वाली जो बिल्डिंग है ना सेवर की, यहां पे हमारा तकरीबन डेली लंच होता था। और इसके साथ ही साथ ये जो ब्लू एरिया वाली लाइन है ना पूरी, यहाँ पे शर्ट एंड टाई, हैंग टैन और इससे शॉपिंग वगैरह हुआ करती थी। तो आज कई सालों के बाद मैं दोबारा इस्लामाबाद आके बड़ा मुझे खुशी फील हो रही है, लाइक आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड। क्योंकि जब आप अपनी पुरानी चीज़ों से दोबारा से जुड़ते हो ना, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो अनबयानेबल होती है। महंगाई यकीनन ज़रूर हो गई है, पहले मेट्रो नहीं थी बीच में, अब बीच में मेट्रो बना दी। और वो शबाब चेक करो यार, पीर सुहावा के जो पहाड़ हैं उफ़ अनबयानेबल हैं यार। मतलब जो ब्यूटी है ना इस्लामाबाद की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ इलाके ऐसे होते हैं ना कि वक्त के साथ साथ वो पुराने होते जा रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ और नया और निखरता जा रहा है। अच्छा, मैं कुछ बात करता हूँ अब सेवर की। इस जैसी पुलाव आपको पूरी मतलब पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, ऑनेस्टली आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका जो टेस्ट है ना आज भी वैसा ही है जैसा मैंने 11 साल पहले तकरीबन टेस्ट किया था। तो इस कदर अपने ये समझ लो उसको मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, नॉर्मली लोग नहीं मेंटेन रख पाते। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी है बनी गाला से, अगर हो जाता है मामला, क्योंकि जलसा वगैरह है उसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो बात वगैरह तो मेरी हुई है अभी, अगर बन जाती है तरतीब तो इंशाल्लाह वहाँ भी करेंगे, नहीं बनती तो फिर मेरा कुछ और प्लान है कश्मीर की तरफ और दूसरी तरफ लोगों को दिखाने का, बताने का कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है यार। मतलब ऐसी खूबसूरती कहाँ से लाओगे, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी खूबसूरती आपको पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वो यार, वो शबाब चेक करो यार, वो तो चेक करो सारा सामने, क्या मतलब मौसम है, क्या इसकी तजल्लियाँ हैं, मतलब अनबयानेबल है यार। मतलब हो रहा है मौसम बड़ा सुहाना, तकरीबन दिन के 2:30 बज रहे हैं इस वक्त। चल के दोबारा से अपनी मेमोरी को मैं रिकॉल करता हूँ और सेवर चल के ट्राई करते हैं दोबारा, लेट्स गो। मतलब अगर आप इस्लामाबाद आए हो और सेवर ना खाओ तो फिर आप इस्लामाबाद आए क्यों, लेट्स गो। हाय हाय, ये पूरी ब्लू एरिया रोड है, वहाँ पर हमारे कस्टमर का एक ऑफिस हुआ करता था जोन का, और यहाँ पर ये ला फैब्रिका फैशन है, इससे सूट्स वगैरह ये वो सब बनवाते थे हम। आगे शर्ट एंड टाई की भी एक दुकान है और एक हैंड टैन का है, काफ़ी डेवलप हो गया है लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी वैसे ही है। इनके आइसक्रीम वगैरह भी हैं काउंटर, तो ऊपर फैमिलीज हैं, नीचे जो है वो डाइनिंग का सेटिंग बना दिया इन्होंने। चेंज हुआ कुछ या सब कुछ वैसा ही है? वैसा ही है। चलो फिर एक सिंगल लेके आओ। सब कुछ वैसा का वैसा ही है भाई, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस लोग चेंज हुए हैं, वेटर चेंज हुए हैं। कहाँ से होते हैं आप? मैं मस्कत में, मस्कत में। हाँ, मस्कत में। और आप भी मस्कत में होते हैं? चाहता से। तो भाई ये मस्कत के मुझे यहाँ पे भाई मिल गए मेरे साथ में, मैं सेवर में बैठा हुआ था। तो कब जा रहे हैं अभी आप? जा रहे हैं वापस? अच्छा, तो बैठे ना, खाना वगैरह खाएँ? खाना खा लिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चले, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। वही हमारा सैलड और रायता आ गया, ये वही हमारी सिंगल आ गई, इसमें दो कबाब होते हैं और एक चेस पीस होता है, पीस आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं कोई भी। अच्छा भाई, खाना वगैरह खा के मैं आया हूँ इस्लामाबाद की शॉन्ज़ेलिज़े स्ट्रीट। बेसिकली ये जो स्ट्रीट है ना पूरी ब्लू एरिया वाली, ये इस्लामाबाद की आप समझ लो शॉन्ज़ेलिज़े स्ट्रीट है, जैसे पेरिस वाली है, क्योंकि ये बहुत एलीट है और यहाँ पर पूरी क्रीम जो है ना वो अपनी शॉपिंग वॉपिंग करती है। अब यहाँ पर रेट्स वगैरह क्या है, मुझे शॉन्ज़ेलिज़े जो रियल वाली स्ट्रीट है फ्रांस की, उस पर तो बड़ा शौक लगा था जब मैं एक बहुत बड़े ब्रांड की बहुत बड़ी आउटलेट पे चढ़ा और वहाँ मुझे कुछ बैग्स पसंद आए, हैंडबैग्स और लेडीज़ वाले, और जब मैंने उनकी टैग्स खोले और देखा तो प्राइस तो वाकई शॉन्ज़ेलिज़े की स्ट्रीट के हिसाब से थी, लेकिन जो मेड इन था ना वो शॉन्ज़ेलिज़े स्ट्रीट के लेवल का नहीं था, वो था मेड इन चाइना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सेटिंग है और क्या तरतीब है, कुछ मुझे नज़र तो आ रही है सामने चीज़ें, इनके रेट्स वगैरह चेक करते हैं ज़रा। अच्छा, ये पूरा एरिया वैसा का वैसा ही है यार, ये बोलान साल्टेश और ये सारा सेम टू सेम है भाई। ओए होए 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 होए, 250 में शर्ट भाई, ये 250 रुपये की भाई सब, माशाल्लाह बहुत सस्ता भाई ये तो। और ये वाली भी, ये भी, ये 450 में, और ये वाली 500 और 750, लेकिन ये सब 250 है। हाँ, बेहतरीन है यार, ये शॉन्ज़ेलिज़े स्ट्रीट तो भाई सस्ती है, ये वज़ीर है इससे शूटिंग वगैरह करवाते थे। ये बिक रहे हैं यहाँ पर, ग्लासेस हैं, ये चाचा हैं एक मोजी का काम करते हैं,
और उसके साथ ये चाचा अपनी एक दुकान बना के बैठा। भाई ये था एक छोटा सा व्लॉग इस बहुत फंटास्टिक और एक बहुत वेल प्लान्ड दुनिया के सबसे वेल प्लान्ड सिटी का। लेकिन ये पार्टी अभी शुरू हुई है और आप मजीद आने वाले दिनों में देखेंगे क्या फंटास्टिक पाकिस्तान की ब्यूटी आपको नज़र आएगी। मुझे नहीं ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखाएं और पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताएं कि ये है पाकिस्तान, द ब्यूटीफुल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।